तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यारा भरा नमस्कार, मैं अंजलि, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलो करते हैं आज का दिन शुरू। तो सब बच्चे भी उठ चुके हैं, मैं भी उठ चुकी हूँ, मैं बना रही हूँ इनका सबका लंच। और चलो चलते हैं, तो अपने किचन में चलेंगे, खाना बनाएंगे। लंच तो हमारा लगभग तैयार हो चुका है, फिर कुछ देर बाद अपनी चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, फिर अपना घर का काम शुरू करूँगी। तो दिखाते हैं हम सारे दिन में क्या क्या करते हैं आपको। तो चलो भाई चलते हैं हम किचन में। शाम के 5 बज गए हैं और हमारी हो गई शाम की चाय पीने का टाइम। तो हम चलते हैं किचन में, बनाते हैं चाय अपनी और अपनी शादी की चाय बनाते हैं। हम दोनों ही पीते हैं इस टाइम चाय, सुबह की भी चाय। बच्चे तो कभी कभी ले भी लेते हैं, कभी नहीं भी लेते हैं। अब तो हम रखते हैं चाय बना, दो कप चाय बनानी है तो हमने डाल दिए इसमें 2 कप चीनी, डाल देते चम्मच भरा नमक, अब हम तो हम देते हैं अदरक, पहले आज का मौसम ऐसा हो रहा है, धूप निकली हुई है, देखो सूरज निकला हुआ है यहाँ से। और हमारा यहाँ पे बहुत काफ़ी गर्मी हो रही है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। आज भी हमने बहुत सारे कपड़े धोए थे दोस्तों, कल हमने हाथ से धोए थे, आज हमने मशीन लगाई है। तो ये हमारा करी पत्ता हो रहा है, ये देखो कितना प्यारा हो रहा है। और ये हमारी तुलसी जी हो रही हैं, ये भी देखो कितनी अच्छी से खिली हुई हैं बारिश के मौसम में। ये हमारा उसका पेड़ पौधा है, हमारा खास पेड़ पौधा है, ये हमने केरला से मंगाया था, नारियल का पौधा है ये। इसमें नमक डाला जाता है, नमक के साथ जल्दी से बड़ा होता है ये, तो इसमें नमक डालते रहते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तब आया था काफ़ी छोटा सा था। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, आज मेरी ट्यूशन की छुट्टी है और आज का मौसम भी ऐसा हो रहा है कुछ, और मम्मी जल्दी बर्तन धो रही है। तो दोस्तों मैं करती हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ मिस्सी रोटी, पानी के हाथ वाली, और सब बच्चे को बहुत पसंद है और सब कहते भी हैं कि मैं बहुत अच्छी मिस्सी रोटी बनाती हूँ, करारी करारी एकदम, जैसे चूल्हे पर बनाते हैं ना धीमे धीमे आज से, बिल्कुल वैसी रोटी बनाती हूँ। कल हमने मिर्च बनाई थी वो रखी है, आज चटनी बनाई है, मिस्सी रोटी है और रायता है। चलो चलते हैं हम किचन में, सारा काम हमारा रेडी हो चुका है, बच्चे खाने के लिए बैठे हुए हैं, तो चलो चलते हैं।
ये देखो कितनी गोलू मोलू सी हो गई है मेरी रोटी, मिस्सी रोटी। जो भी खाता है ना बार बार बोलता है कि बार बार बनाओ भाभी खान बे मिस्सी रोटी, पर ये तभी अच्छी लगती है, इसके साथ घी होता है ना बहुत सारा, बिना घी के इनमें टेस्ट नहीं आता है। अगर लोनी घी वाइट मक्खन हो जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। ये देखो कितनी प्यारी रोटी बनी है, अब इसमें अंदर मारो ऐसे हाथ और इसमें भरो घी, खाओ। तो स्कूटी ऑफिस को ले जाते हैं तो आज जल्दी आ गए, तो मैं जा रही हूँ स्कूटी सीखने के लिए। अब देखते हैं हमको आज कितनी स्कूटी चलानी आती है, और मिलते हैं स्कूटी चलाने चलाते समय रोड पर, मिलते हैं आपको। दोस्तों तो हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ से मम्मी जी को स्कूटी चलानी सिखाएंगे। इधर की साइड का पूरा एरिया खाली है, ये हल्की फुल्की गाड़ी चल रही हो तो मैं पीछे बैठा रहूँगा। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो जिसमें मम्मी जी पहली बार स्कूटी चलाई थी गिर गई थी, तो उसकी लिंक ऊपर आ जाएगी, आप उस पर क्लिक करके देख लेना। इसी साइड में गिरी थी तो अब चलते हैं फिर उसी जगह आ गए हम। फिर उसी ऐसे रखो मैं ब्रेक मारूंगा।
हल्की सी टेढ़ी से थोड़ी टाइट की बोलो तो विचार रखिए फिर चलाना सीखा गया नंबर प्लेट वाली जितनी भी गाड़ी है इलेक्ट्रिक गाड़ी है साइलेंसर ना ना प्लेट बोर्ड से मिल रहा तभी इतने धीरे चल रहे इलेक्ट्रिक के ओ भाई ओ इलेक्ट्रिक गाड़ी में फूक कर रहे हैं बढ़िया पहले तो मंदी करनी तेज करनी मैं स्कूटी चला के आ चुकी हूँ घर पे। तो मैंने आज स्कूटी पे चलाना सीखा था। हम गए थे 10:30 गए थे और 11:30 बज चुके हैं। अब हम घर पर पहुँच चुके हैं। तो आज मैंने स्कूटी स्टार्ट करना सीखा, उसमें चाबी लगाना सीखा और फिर मैंने रेस लगानी सीखी थी बस। और थोड़ा सा हैंडल सादा होगा तो सादा होगा पता नहीं, पर हम तीनों गए थे साथ में, तीनों को मैं लेके स्कूटी चला रही थी, अकेली भी चलाया मैंने।
तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों में और घंटी ज़रूर बजा देना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।